हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। जैसा कि बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि सर स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आएगा, रीडर का टाइपिंग टेस्ट कब होने वाला है, या फिर क्लर्क और प्यून का एग्जाम डेट कब आने वाला है। भाई इन सारी बातों को लेकर इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आ चुका है ये सारे लोगों को पता है। अब ये जो नोटिस है आपका, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो भी नोटिस आता है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको वीडियो पूरा का पूरा बना के बताता हूँ, ठीक है। अब तुम जरा यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारा नोटिस आया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता था कि सर शॉर्ट हैंड में या फिर इंग्लिश वाले टाइपिंग में या फिर हिंदी वाले टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट यूज होगा, उन सारे बातों के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आपने यहां पर देखा, थंबनेल में देखा मैंने क्या क्या लगाया है। दूसरा, अब हम लोग सीधा चलेंगे इसके पीडीएफ पे, तो पीडीएफ में इन्होंने क्या क्या लिखा जरा ध्यान देना। तुम जरा यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना। यहाँ पे 26 तारीख मतलब आज के दिन आपका एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में क्या है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम आपका दिया था, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो लिखा गया था कि रिटेन टेस्ट हेल्ड ऑन 17/12/2023, मतलब 17 दिसंबर को जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या है यहाँ पे कि द लिस्ट ऑफ 3345 क्वालिफाइड कैंडिडेट, ध्यान से सुनना, एक शब्द में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3345 कैंडिडेट जो है ये रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं, पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि 4349 जो है वो डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, किसी न किसी कारण से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो 3345 आपका क्वालिफाई हुए हैं और 4349 आपका डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि द लिस्ट ऑफ 365 कैंडिडेट्स, मतलब 365 कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो आपका OMR सीट्स फाउंड इनवैलिड, मतलब जो उनका OMR सीट है वो इनवैलिड फाउंड किया गया है। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, आंसर बुक का जो सीरियल नंबर है या फिर उसका जो कैंसल है वो यहां पर उन्होंने गलत किया गया होगा, ठीक है, या फिर सबमिट नहीं किया होगा उन्होंने, ऐसा लिखा गया है। पॉइंट नंबर चार में क्या लिखा गया है कि द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट वन कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर इतना इज कैप्ट पेंडिंग, मतलब एक जो रोल नंबर का जो रिजल्ट है उसको पेंडिंग में रखा गया, किसी कारणवश उन्होंने पेंडिंग में रखा है, ठीक है। द स्किल टेस्ट ऑफ 4345 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन 8/5/2024, मतलब इन्होंने कहा है कि भैया अब ठीक है, बहुत दिन हो गया है, 2 साल के आसपास होने जा रहा है, अब इलेक्शन हो या फिर इलेक्शन का रिजल्ट आए उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना एग्जामिनेशन कंटिन्यू कराएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अब जरा ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ध्यान से इस डेट को नोट कर लो कि 8/5/2024, मतलब अगले महीने 8 तारीख को आपका ये क्या होने वाला है, जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनका एडमिट कार्ड जो है वो 1 तारीख से क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा, मतलब एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाने वाला है। और स्किल टेस्ट जो होने वाला है वो आपका 8 तारीख को हो जाएगा। दो डेट याद हो गया, पहला जो एडमिट कार्ड आएगा वो 1 तारीख को और स्किल टेस्ट कब होगा आपका, 8 को होने वाला है। लिखा है कि द मोड ऑफ एंड मैनर्स ऑफ द स्किल्स टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज एज फॉलोज, ये नीचे जैसे दिया गया है उस हिसाब से ये टेस्ट आपका लेने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुद्दे की बात यहां से स्टार्ट होती है वीडियो में, तेरा ध्यान देना, शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है आपका वो 25 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। द कैंडिडेट विल बी गिवन इन डिक्टेशन ऑफ 400 वर्ड्स इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट में आपको क्या करना है, 400 वर्ड्स के हिसाब से लिखना है। नोट डाउन शॉर्ट हैंड एंड 45 मिनट्स विल गिवन टू द सेम आप टाइप आपका बोला गया है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट दूसरा क्या है कि टाइपिंग टेस्ट जो है आपका 15 मार्क्स का ये पूछा गया, ये 25 मार्क्स का है आपका शॉर्ट हैंड वाला और टाइपिंग टेस्ट आपका 15 मार्क्स का है। ये 400 वर्ड जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट 4 WPM, मतलब वर्ड पर मिनट आपको चाहिए। इंग्लिश की बात ये कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, इंग्लिश की बात ये कर रहा है कि 40 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए। द कैंडिडेट हैव टू यूज क्वेट्री कीवर्ड, मतलब जो सिंपल कीवर्ड होता है उस पर आप यूज कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, कौन सा भाई, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट जो है इसका ये होने वाला है, इंग्लिश टाइपिंग का फॉन्ट होने वाला है, ठीक है। दूसरा आ जाइए, नीचे आ जाइए भाई, अब देखो हिंदी की अगर ये बात करेगा तो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए क्या लिखा है कि शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है वो 25 नंबर का होगा, सेम है, ये 300 वर्ड्स है, 5 मिनट में नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो है ये 15 नंबर का है और 300 वर्ड टाइप करना है,
30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अब बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन था, मैंने बताया था कि इस बार जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो रैमिंगटन गेल पे होगा या फिर कृति देव पे होगा, तो मैंने ज़्यादा संभावना बताया था, आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं कि ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो किस पे होगा, आपका रैमिंगटन गेल पे होगा। क्या होगा भाई? रैमिंगटन गेल पे। लेकिन मैंने बाद में कहा था कि सर कृति देव भी सीख लोगे क्योंकि थोड़ा सा सिंबल वगैरह का अंतर होता है, ज़्यादा का कोई अंतर नहीं होता है, तो आप ही के लिए ज्यादा आसान होगा। लेकिन इन्होंने दिल की बात मन की बात छीन ली भाई, और इन्होंने कहा कि रेमिंगटन गेल पे आपका मंगल फॉन्ट हिंदी टाइपिंग आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नोट करते जाइएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं कि फोर बाइलिंगुअल स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट जो हिंदी में वो 12.5 नंबर का इन्होंने रखा है, 300 वर्ड क्या चाहिए इन 5 मिनट्स चाहिए, नोट डाउन करना है। इंग्लिश में 12.5 नंबर का रखा है इन्होंने, 400 वर्ड 5 मिनट्स चाहिए। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में आ जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट में इन्होंने क्या लिखा है कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो हिंदी आपका 7.5 नंबर, क्या लिखा है भाई, हिंदी जो है वो 7.5 नंबर का, 300 वर्ड क्या चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, यहां भी बाइलिंगुअल वाले में भी चाहिए और इंग्लिश वाले में भी आपका 40 वर्ड पर मिनट चाहिए, 7.5 नंबर का इन्होंने दिया है। ठीक है, वही आपका फॉन्ट है रेमिंगटन गेल है मंगल में, और क्वाइट्री जो है टाइम्स न्यू आपका फॉन्ट है इंग्लिश टाइपिंग वाले में। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे क्या है कि नेचर ऑफ मिस्टेक्स लिखा है कि अगर आप गलती करते हो, अगर आप गलती करते हो तब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो भाई इन्होंने लिखा है कि एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड्स एंड फिगर वो बिल्कुल सही होना चाहिए, द फॉलोइंग एरर विल बी ट्रीटेड अ फुल मिस्टेक्स, मतलब कुछ भी एरर होगा तो वो फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग वर्ड हो गया या फिर फिगर हो गया या फिर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज, ऐसा कुछ होता है तो आपका फुल मिस्टेक्स वो काउंट होगा। हाफ मिस्टेक में क्या क्या काउंट होगा, ये स्पेसिंग एरर आपका काउंट होगा, जैसे आपने लिखा है आई हैव, ठीक है, और यहाँ पे डबल एक्स का सिंबल आपने करा है तो वो आपका हाफ मिस्टेक में क्या होने वाला है, कवर होने वाला है, और अगर वर्ड फिगर के बारे में बात करें तो वो फुल मिस्टेक में कवर होगा आपका। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है जरा ध्यान देना कि फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाई ए रिपीटेशन और एडिशन और ट्रांसपोजिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए लेटर, एज फॉर एग्जाम्पल द वर्ड स्पेलिंग टाइप्ड एट स्पेलिंग्स ईटीसी वगैरह, इसमें आपका बताया गया है। वर्ड कैपिटलाइजेशन के बारे में भी बताया गया कि रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्सा दैट डज नॉट अप्लाई टू हिंदी टाइपिंग टाइपराइटिंग स्क्रिप्ट्स, ऐसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि एनी करेक्शन मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी इग्नोर्ड एंड नो क्रेडिट विल गिवन इन द सच करेक्शन, अगर आप कुछ गलती करते हैं पेन पेंसिल का यूज करते हैं उसको इग्नोर कर किया जाएगा, उसके लिए कोई क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा वैसे करेक्शन के लिए। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका जो हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल स्टेनोग्राफर के लिए है वो क्या लिखा है कि द नॉलेज ऑफ 10 नंबर का है भाई, द नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स अबाउट एमएस वर्ड एमएस एक्सेल विल बी असेस्ड through practical on the software on their internet surfing skill will be assessed through the multiple choice question, मतलब MCQ question होने वाले हैं किसके लिए भाई, MS Word और MS Excel के लिए आपका multiple choice question होगा और वो आपका practical होगा software पे। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा लिखा गया। अब ये जो आपका result है, result यहाँ से start होगा, देख लो भाई जिन लोगों का result है एक बार comment जरूर करना, जिन लोगों का रिजल्ट है एक बार कमेंट जरूर करना। ये पूरा का पूरा 3345 लोगों का यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, समझ गए आपको। अब चलिए, अब आ जाइए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है या फिर जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, उदास नहीं होना है भाई, लाइफ में कभी भी उदास नहीं होना। बहुत सारा ऑफर आपके लिए आएगा, आपने शॉर्ट हैंड सीखा है, आपने आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो बहुत सारा ऑप्शन है आपके लिए। दूसरा क्या कि ये टेलीग्राम चैनल जो है ये आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें देखो मैंने आपको बताया था ना, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने आपको बताया था कि इस बार रिडर मेंस का टाइपिंग या फिर स्टेनोग्राफर का टाइपिंग इस बार किस पे होगा, मंगल या कृति देव पे होगा। तो अभी से भी रेमिंगटन गेल आपका मंगल फॉन्ट पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, मैंने दोनों कीबोर्ड के बारे में पूरा अच्छे से समझाया था। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। किसी भी तरीके का जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और एक हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब देखो बात हम लोग करते हैं क्लर्क और प्यून के बारे में, क्लर्क और प्यून के बारे में। तो इसका भी आपका जो एग्जाम डेट आने वाला है वो भैया बहुत जल्द आएगा। क्या आएगा? बहुत जल्द आपका आने वाला है। मैंने बार बार वीडियो में समझाया है कि इंतजार मत करो, 15 दिन के अंदर में वो एग्जामिनेशन आपका ले लेगा। मैंने हर बारी समझा रहे, एक वीडियो में समझाया कि इंतजार करोगे। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होके कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन ही फेक है,
समझ रहे हो सर, एग्जाम नहीं लेगा, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ठाना है तो वो करके दिखाएंगे। अब आपकी बारी है, अब चुनाव होने से पहले आप अपना चुनाव कर लो कि हमको करना क्या है ना। तो क्लर्क और प्यून के बारे में पूरा भर भर के क्लास दिया गया, आप जाकर आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हो, और प्लेलिस्ट चेक करने के बाद वहां देखोगे सारी चीजों का वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। एटलीस्ट सिलेबस भी क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो 2 महीना तो मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था भाई, मुझे लगता है कि 2 महीने का भी समय नहीं दिया जाएगा। तो 2 महीने का समय मैं आपको बता रहा हूँ, इस 2 महीने में जितना रिवीजन हो सके उस रिवीजन को कंटिन्यू कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए। आप कहिएगा तो इसके बाद मैं छोटा सा एक स्ट्रेटजी का वीडियो फिर से वापस से लाने वाला हूँ, आप उसको देख के एकदम उसी हिसाब से तैयारी करोगे और वीडियो पूरा देखोगे तभी सब कुछ समझ में आने वाला है ना। तो एक बार कॉमेंट जरूर करिए, किसी भी रिगार्डिंग हो, PDF के रिगार्डिंग हो, रिजल्ट आया हो या फिर रिजल्ट नहीं आया हो, या फिर क्लर्क और प्यून की आप तैयारी करते हैं। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा भाई, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाल वाले बटन पे क्लिक करके, और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।